नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में जेजेपी पार्टी के द्वारा हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी पार्टी के डबवाली विधायक नैना चौटाला द्वारा शिरकत की गई। नैना चौटाला ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। नैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी के द्वारा हर खाते में 15 लाख रुपए देने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। महिला दिवस पर नैना चौटाला ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। तो कोई 2 लाख लोग आज तक नौकरी को लगे, अगर मुश्किल नंबर लगे 30,000 बच्चा भी आपने कटवाया भी नौकरी आपने लगे क्या आपके हर प्रॉब्लम है बोला क्या। तो बस वही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार जो है वे झूठा वादा करे, ना 2 लाख बच्चा नौकरी लग गया, ना 15 लाख रुपया जब वो कहूँ के खाता में आ गया, मेरे खाते में आया कि सिर्फ झूठी है ना, मैं 15 लाख रुपया अपने खाते में आया, तो सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति बढ़ चढ़ के मीडिया दिखाने राजनीति बीजेपी सरकार करी। तो कांग्रेस को भी राज देख लिया 10 साल, 11.5 साल से बीजेपी को राज देखकर लगा रहे हो, तो अब जो वो है वो आपने बंसी लाल को राज लड़ने में लगाई है, वो सारों बड़ो अहम योगदान हो, तो फिर जागरूक हो जाओ। अगर फिर एकजुट हो जाओगी, थोड़ी सी मेहनत कर लोगी, तो जननायक जनता पार्टी को थारू राज आते हो, और राज आने पर जबकि पेंशन की उम्र है या लुगाइया की 55 वर्ष और ट्यूशन की जबकि है 58 वर्ष करने को काम कराना, और जबकि पेंशन 2,000 की है बस 2,000 बढ़ा के 3,000 करने को काम कराना, और जबकि पेंशन खाकर आदमियों का सारे वोट मांगा बार वो काम आदमी संभालेगा, हर गांव में काम लुगाइयां संभालेगी, तो कि 1 लुगाई 10 लुगाइयां जोड़ को काम करो, पार्टी ने मजबूत करो, दुष्यंत का हाथ मजबूत करो, क्योंकि पार्टी मजबूत होगी अपना विधायक और एमपी चुन के जावेगा जब भी आप लोग राजपाट आवे, तो नई नई पार्टी और जितना भी बड़ा बच्चा बुजुर्ग खड़े है मैं बस सारा कहूंगी की दिन रात एक भी नो मुश्किल हुए लोकसभा के इलेक्शन को, तो फिर सारा दिन रात एक कर दो, और जिया जिन को इलेक्शन आप मिल के लड़ो, जिया एक एक आदमी मिल के गांव में इकट्ठा हो गए और इलेक्शन लड़ने को काम करो, और जितना भी अटैड है 36 प्रतिनिधि आप लेके चलना ना सके, हर आदमी मिल के काम करे वो पार्टी खातिर, तो फिर सारा आया पार्टी को बच्चा पार्टी कई बार कह चुके हैं जी, अभी छुटाला तो इसको लेकर क्या कहेंगे। वो तो आप देखो कि 38,000 लेने वाले जो बच्चा पार्टी कह रहे थे उनके खुद के तो 3400 आए हैं, और हम तो सेकंड नंबर पे रहे, और मैं कहूंगी सेकंड भी नहीं, हम जीते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें तो हराया गया है सबने मिलकर। आप मानते हो ये भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है? कोई कान सीधा पकड़ लेता है, इन्होंने घुमा के पकड़ लिया, भ्रष्टाचार तो है। आपने भी कहा था जी इनारे लोगों थोथा चढ़ा बाजे घड़ा, तो ये थोथे चढ़े पहले से थे या मतलब जजपा में आए तब हुए हैं? थोथा चना बाजे गणा पे मैंने इसलिए ये बोला था, मैंने कहा इनेलो जो है वो थोथा चना बाजे गणा इसलिए है क्योंकि बार बार इन्होंने एक राग अलाप रखा है कि हम इनको विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे, हम इनको लोकसभा नहीं पहुंचने देंगे, तो ये तो जनता जनार्दन का खेल है, ना तो मेरे हाथ में कि मैं पूरी जननायक जनता पार्टी को विधानसभा में पहुंचा दूं, ना उनके हाथ में, तो लोग जिसको वोट डालेंगे वही वहीं पहुंचेगा। तो आप हरी चुनरी चौपाल जो कार्यक्रम कर रही हैं, तो क्या महिलाओं की समस्या जानी है, क्या दिक्कत कभी बताइए महिलाओं में क्या समस्या होती है? बिल्कुल, जब मैं इनके बीच में जाती हूँ कई बार, तो बहुत सारी औरतें जो है सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की, गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे जो आज भी मुझे लगता है पानी के लिए जो औरतें हैं वो तरस रही हैं, बिजली की समस्या है, जो ढाणियों में औरतें रहती है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके, ढाणियों में लाइट की व्यवस्था नहीं, तो इसको लेकर आपने किसी। दूसरा जो सबसे ज्यादा मुझे महिलाएं कहती है ना वो नौकरी के लिए बहुत कहती है, हाँ कहते हैं हम आपको वोट देंगे हमारे बच्चे को नौकरी जरूर लगाना, तो मुझे लगता है बेरोजगारी जो है आज के दिन वो चरम सीमा। तो समस्या जो पानी की आपने रखी सीएम साहब के समक्ष या कोई
देखो मैं विधानसभा में बोलती हूँ तो मैं महिलाओं के साथ साथ मेरे हलके पे ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि डवाली जो है वो उसमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी पानी, पीने का पानी नहीं है गाँव में। मैंने अभी भी जब मैं बोल रही हूँ तो बोली हूँ, मैं पानी के लिए, ढाणियों की लाइट के लिए भी बोली हूँ, पीने के पानी के लिए भी बोली हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाओं को जो है उनका जो अधिकार है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि आज भी विधानसभा में जब हम जाते हैं ना तो महिलाएं कहीं ना कहीं ऐसे, मुझे तो खुद को लगता है कि वो एक अलग थलग पड़ जाती है वहाँ जाकर। तो पार्टी 33% की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज महिला दिवस है जी, प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देंगे और क्या किस तरह? संदेश तो यही है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था महिला दिवस, सर उस महिला दिवस में आज बहुत फर्क है। मैं अभी भी कह रही थी कि आज बेटी का भी जन्मदिन और कुआ पूजन होता है, तो ये एक बहुत बड़ी महिला सशक्तिकरण की निशानी है। नैना जी, आपने कहा कि बंसीलाल की सरकार लाने में महिलाओं का बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी की। एक मिनट, हाँ, मेरा यही सवाल है, तो आप शराबबंदी की घोषणा करेंगे हरियाणा में? देखो सरकार आने के बाद में मैं ऐसा कुछ नहीं, नहीं आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज होगी, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा इशू नहीं है। शराबबंदी फिर फेल भी तो हुई, नहीं फेल हुई वो, नहीं ऐसा हमारे उससे जुड़ा हुआ। मैं महिला दिवस का मेरा कोई शराबबंदी का मोटो नहीं है कि हम शराबबंद करके राज लाएंगे। नहीं नहीं, आपने बंसीलाल जी का जब जिक्र, बंसीलाल का क्योंकि उनका अहम योगदान था, क्योंकि उन्होंने एक नारा महिलाओं के लिए ऐसा दिया था कि मैं शराबबंदी बंद करूंगा, पर वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर जो महिलाएं राज लेके वो गिराने में भी वो महिलाएं थी सबसे ज्यादा, क्योंकि शराबबंद हुई नहीं।